नमस्कार। इस गेम में हम देखने वाले हैं विंसेंट केमर और लोइक मैनवेली का जो एक इम्पोर्टेंट राउंड हुआ था, फाइनल में हुआ था। ये जो यूरोपियन ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप हो रही थी उसका मेन गेम था ये, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि फाइनल में जो चार प्लेयर खेल रहे थे उनमें से किसी भी एक प्लेयर ने अगर अच्छा कोई विन निकाल लिया तो डेफिनेटली वो पूरा टूर्नामेंट जो है वो उस टीम के लिए जीता सकता है, राइट। सो इस गेम में हुआ ये कि विंसेंट केमर व्हाइट से खेल रहे थे और लोइक वैन वैली जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है वो ब्लैक से खेल रहे थे। हालांकि दोनों की रेटिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। विंसेंट जहाँ बहुत ही यंग है और ऑनलाइन में बहुत अच्छा खेलते हैं आजकल, बीच में एक टूर्नामेंट भी जीता था उन्होंने ग्रैंड के में, बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट थी वो। और लोइक वैन वैली बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है तो उनके बारे में सभी जानते हैं, राइट। तो डायरेक्टली हम गेम की तरफ जाते हैं और देखेंगे कि स्लाव जो ओपनिंग होती है उसमें हुए इस गेम में क्या डिटेल्स हुए थे, राइट। नाइट एफ थ्री से स्टार्ट किया विंसेंट ने। यहाँ पे जनरली नाइट एफ थ्री जब स्टार्ट स्टार्ट करते हैं कोई भी व्हाइट से तो बहुत बार ये एक कोशिश रहती है कि ओपनिंग में हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें और कोशिश करें कि सेटअप्स बाद में देखें कि ओपोनेंट कैसा खेल रहा है उस हिसाब से हम डिसाइड करें। नाइट एफ सिक्स खेला यहाँ पे, C4 C6। अब एक बात क्लियर है कि वैन वैली जो है वो D5 जाने वाले हैं नेक्स्ट मूव, और वो एक हिसाब से स्लाव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि व्हाइट D4 खेलने वाले, राइट। D4 खेला उन्होंने यहाँ पे, C D5 एंड देन E3। अब बहुत बार E3 इसलिए भी खेलते हैं कि नाइट C3 के बाद जो D कट C4 वेरिएशन है उसको अवॉइड करना होता है। यहाँ पे जैसे E3 खेला लोइक वैन वैली ने, यहाँ पे बिशप G4 खेल दिया। हालांकि यहाँ पे बहुत और भी वेरिएशन है लेकिन बिशप G4 एक डिसेंट चॉइस है। C2D मार दिया, ये एक सरप्राइज था एक्चुअली। अगर हम देखें तो ये जो वेरिएशन है, अब जो एक स्लाव का साइड लेन आता है जिसको एक्सचेंज स्लाव बोलते हैं, मतलब D4 D5 C4 C6 और CD जल्दी मार देते हैं, उस वेरिएशन में ट्रांसफर हो गया ये, राइट। सो बिशप इन टू F3 पहले मार दिया यहाँ पे, क्वीन इन टू F3 एंड सी इन टू D5। अब आप देखो इस पोजीशन में ब्लैक का जो मेन एम है वो यही रहेगा कि E6 खेल के बिशप निकालें और फिर शॉर्ट कैंसिल करें, तो उसमें ये बिशप जो है C8 का ये हमेशा बंद रहता था, राइट। लेकिन इसीलिए उन्होंने पहले इसको निकाला, एक्सचेंज किया और अब वो E6 खेल के खेलने वाले, जो मुझे लगता है जनरली स्लाव में जो एक्सचेंज वेरिएशन है उसको थोड़ा सा ड्राई पोजीशन मानते हैं, जहाँ पे आप विन के लिए उतना ज्यादा कोशिश नहीं कर सकते हो। और हालांकि कुछ बहुत अच्छे गेम्स हुए हैं उन पोजीशंस में, जहाँ मुझे याद है अधिबन ने एक बहुत ही अच्छा गेम खेला था बीच में व्हाइट से। लेकिन अभी C2 D5 के बाद नाइट C3 खेला विंसेंट ने, E6 बिशप टू D3। मेरे हिसाब से व्हाइट बहुत ही कंफर्टेबल है ओपनिंग के, इतने जल्दी फेस में अगर किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर के अगेंस्ट आपको ऐसा एक पोजीशन आ जाता है जहाँ पे आप व्हाइट से बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबली खेल सकते हो तो अच्छी बात है ये, राइट। तो व्हाइट को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। नाइट C6 खेला यहाँ पे, शॉर्ट कैंसल बिशप टू D6। अब ऑब्वियसली एक बात क्लियर है इस पोजीशन में, क्योंकि व्हाइट के जो पीसेस हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, और खासकर क्वीन F3 पे है तो वो किंग साइड अटैक के लिए जा सकते हैं, राइट। तो पहले उन्होंने BD2 खेला और शायद अभी ब्लैक को ऐसा लगा कि वो C5 से कंट्रोल करने के लिए खेल सकते हैं A3 B4 और फिर इस नाइट को रिमूव करके C5 से खेल सकते हैं, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया यहाँ पे। लेकिन सडनली विंसेंट ने अपना प्लान चेंज कर दिया और यहाँ पे सिंपली उन्होंने क्वीन H3 खेला। अब आप देखो ये जो बिशप है ये दोनों मिलके किंग साइड में H7 पे अटैक करें और फ्यूचर में ये जो G4 G5 वो आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे रुक C8 खेला G4। अब व्हाइट थोड़ा सा अग्रेसिव लग रहा है यहाँ पे और डेफिनेटली अभी जो थ्रेट है वो G5 है और H7 पे टारगेट रहेगा, तो G6 खेला H7 को बचाने के लिए F4। अब एक हिसाब से ये बहुत सही सा लग रहा है क्योंकि किंग साइड में व्हाइट के पास बहुत अच्छा स्पेस है। अब ये रुक भी ज्वाइन कर सकता है, रुक F3 रुक H3 और क्वीन H6 जाके, राइट। तो किंग साइड अटैक तो आ रहा है इसमें। ब्लैक को चाहिए कि क्वीन साइड में जो पीसेस हैं उनसे कुछ काउंटर क्रिएट करें, बिकॉज सेंटर को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, राइट। तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला क्वीन B6। ये बहुत ही स्ट्रैटेजी, देखो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस साइड खेलना है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है फ्रेश प्लेयर्स को या बिगिनर्स को कि जब किस साइड में अटैक आता है तो उधर ही बचाते रहते हैं, उस उधर बचाना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए कि सेंटर में या अपोजिट दूसरे विंग में कुछ ना कुछ काउंटर आप क्रिएट करो। अगर सेंटर बंद है तो आप दूसरा विंग पकड़ो, राइट, ये बहुत जरूरी है। सो नाइट A4 खेला यहाँ पे, क्वीन टू D8 नाइट C3 एंड क्वीन B6। अब आप देखो ब्लैक एकदम रेडी है ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ब्लैक को पता है कि उसके पास बहुत ज्यादा कुछ खेलने को है नहीं, और भले ही उनका रेटिंग या उनका एक्सपीरियंस विंसेंट से ज्यादा है लेकिन उनको पता है कि ब्लैक से अगर मैंने ड्रॉ कर लिया तो टीम इवेंट में जनरली ऐसा ही होता है। व्हाइट से अगर आप खेल रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि
कि आप जीतने के लिए खेलो, राइट। तो विंसेंट ने यहाँ पे रूक F2 खेला और ये एक सही डिसीजन है। अगर आप व्हाइट से खेल रहे हो तो आपको पता होता है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, और टीम इवेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब देखना, राइट। तो नाइट B4 खेला, हालांकि यहाँ देख लेते हैं क्वीन B2 मारा होता तो क्या होता था। क्वीन B2 को सिंपली एक मूव तो रुक भी बना रही है, जिसमें आपको सिंपली यहाँ से क्वीन A3 हटना पड़ेगा, और अगर आप क्वीन A3 आते हो तो यहाँ पे आपको पहली बार तो B7 मर रहा है यहाँ पे सिंपली, लेकिन एक और अच्छी मूव आ रही है रुक B3, और जैसे ही आप रुक B3 खेलोगे इसमें क्वीन F5 खेलना फोर्स्ड है, क्योंकि आई थिंक और कोई अच्छा स्क्वायर है नहीं इसमें। और क्वीन B3 के बाद यहाँ पे अभी व्हाइट के पास अच्छा खासा एक्टिविटी है, और आप चाहो तो आप किंग साइड अटैक के लिए जा सकते हो, F5 खेल सकते हो इसमें, या फिर आप रुक इनटू B7 भी आ सकते हो। एक और मूव आ रही है नाइट E4, क्योंकि इसमें क्वीन पे अटैक है और इधर ये हैंगिंग है। ऑब्वियसली आप क्वीन इनटू A2 नहीं मार सकते हो, क्योंकि नाइट F6 चेक आ रहा है और ये डेफिनेटली गेम ओवर हो जाता। सो अगर आप क्वीन D8 जाते भी हो इसमें तो नाइट इनटू F6 मार मार के और फिर हम जा सकते हैं क्वीन रुक इनटू B7, तो ये पॉसिबिलिटीज वहां पे थी। हालांकि हुआ ये रुक F2 के बाद उन्होंने नाइट B4 खेल दिया और वो पॉन एक्सेप्ट नहीं किया। नाइट B4 के बाद यहाँ पे बिशप मर रहा है तो बिशप F1 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, किंग टू G7। अब धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि किंग साइड के जो स्क्वायर्स हैं जो वीक लग रहे हैं, खासकर H6 जैसे वीक लग रहा है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करें और फ्यूचर में इस रुक को भी शिफ्ट कर सकते हो आप, राइट। लेकिन यहाँ पे विंसेंट ने F5 खेल दिया, और एक बात हमेशा याद रखिए आप कि जब भी आप अटैक करते हो या आपको लगता है कि आपकी पोजिशन में थोड़े से चांसेस हैं एक्टिविटी और अटैक के, तो आप फाइल्स ओपन करो, डायगनल्स ओपन करो और कोई स्पॉट ढूंढो क्वीन और नाइट के लिए, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है अटैक करने के लिए। तो पॉन इनटू पॉन मारा यहाँ पे, पॉन इनटू पॉन एंड देन रुक E8। अब E into F5, G into F5 के बाद रुक E8 का आइडिया ये है कि E4 को रोक रहे हैं वो। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ गए हैं और वाइट स्लाइटली बेटर लग रहा है, और किंग साइड में जो अटैक है वो आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे व्हाइट ने बहुत अच्छा नोटिस किया कि बिशप D2 और क्वीन H3 ये दोनों मिलके H6 को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने खेल दिया E4, बिकॉज इससे हुआ ये भले आपका D4 मर रहा है बट बिशप H6 चेक आ रहा है, राइट। और यहाँ पे ब्लैक को शायद H5 खेल के बचा लेना चाहिए था, हालांकि हुआ ये कि गेम में उन्होंने E4 को नाइट इनटू E4 मार दिया इधर, और जो बिशप H6 है वो अलाउ कर दिया इसमें। एक्चुअली यहाँ पे सिंपली F into G6 एक आ सकता था पहले, क्योंकि इस वक्त जो है आप ऑब्वियसली आप नाइट इनटू C3 या इधर कुछ नहीं मार सकते बिकॉज H7 मर रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी जिसमें H2 मारना ही पड़ेगा, ये एक सिंपल सा मूव लग रहा था, और तब आप बिशप H6 जा सकते हो या नाइट इनटू E4 मार सकते हो, तो ये एक कंटिन्यूशन हो सकती थी। हालांकि विंसेंट केमर ने क्या किया कि नाइट इनटू E4 इमीडिएटली मार दिया, और जैसे ही नाइट इनटू E4 को रुक इनटू E4 मारा, अब उन्होंने बिशप H6 चेक दिया, किंग G8 फोर्स्ड, एंड देन फाइनली यहाँ पे पॉन इनटू पॉन अब मार दिया, बिकॉज अभी भी आप रुक बचा नहीं सकते हो क्योंकि H7 प्रॉब्लम में है। तो यहाँ पे H into G6 मारा, F into G6 के बाद Bishop into F8। अब इस पोजीशन में वाइट एक एक्सचेंज अप तो हो गया, लेकिन ये पोजीशन अभी भी फिनिश नहीं हुई है। ये चीज जो यही चीज मुझे दिखानी थी कि कैसे बहुत बार एक्सचेंज डाउन में भी ओपोनेंट के पास या आपके पास भी काउंटर हो सकता है, और अगर आप एक्सटेंड डाउन हो भी गए हो तो उसमें निराश होने वाली बात नहीं है। आपको जो अवेलेबल चांसेस हैं उसको आप देखो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अभी तक ये रूप डेवलप नहीं हुआ है। वन, सेकेंडली आप बिशप G7 आके इसको अटैक कर सकते हो, तो उसके पास कोई माइनर पीस नहीं है D4 को प्रोटेक्ट करने का। टू, थर्ड, किंग एक्सपोज है, आपका किंग सेफ है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो ब्लैक को सूट कर रही हैं, तो मैं बोलूंगा ये गेम अभी भी अनक्लियर है या फिर क्लोज टू इक्वल है, राइट। लेकिन यहाँ पे जैसे BG2 खेला क्वीन इनटू D4, ऑब्वियसली ये एक इंटरेस्टिंग ट्राई था अगर हम देखें तो, बिकॉज इसमें वो दूसरा एक्सचेंज भी दे रहे हैं, राइट। सो बिशप इनटू E4 मारा यहाँ पे, पॉन इनटू E4 एंड देन क्वीन C3। विंसेंट को लगा मैं दो एक्सचेंज अप हूँ तो क्यों ना क्वीन एक्सचेंज कर लिया जाए, बिकॉज उसके बाद सिंपली वो पोजिशन आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ये जो पॉन दिख रहे हैं आपको, खासकर E4 के बाद जब F5 आ जाएगा, तो ये तीनों पॉन बहुत ही अच्छे लगेंगे ब्लैक के लिए, राइट। तो ये गेम अभी भी उतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है ब्लैक को, भले ही आप दो एक्सचेंज डाउन हो, राइट। लेकिन यहाँ पे बिशप C5 खेला, क्वीन भी एक्सचेंज कर लिया लोइक मैनवेली ने, क्योंकि उनको पता था ये पोजीशन अभी भी प्लेएबल है और बहुत ज्यादा कुछ बुरा नहीं लग रहा है इसमें। क्वीन इनटू D4, बिशप इनटू D4, देन किंग F1, पिन हटा लिया उन्होंने यहाँ पे, एक एक्सचेंज मार दिया बिशप इनटू F2, किंग इनटू F2, और फिलहाल नाइट और दो पॉन है रुक के बदले, जो आई थिंक एकदम सही लग रहा है। सिर्फ एक बार अगर F5 आके
किंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए e6 पे या e5 पे, तो ये पोजीशन ब्लैक बहुत ही अच्छे से खेल सकता है, राइट। तो यहाँ पे f5 खेला इमिडिएटली, a3 नाइट को भगा रहे हैं वहां से, नाइट चेक, d3 चेक दिया, किंग टू e3, ये बहुत जरूरी था कि किंग से इन पॉन को रोका जाए, अदरवाइज अगर आप किंग को यूज नहीं करोगे तो ये पोजीशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, रुक अकेला नहीं रोक पाएंगे इन पॉन्स को, राइट। तो किंग f7 खेला, h4, किंग टू f6, हमेशा याद रखिए किंग इज अ पीस इन द एंड गेम, यूज इट, किंग को जितना भी हो सके आपको एंड गेम में वो एक काबिल पीस की तरह यूज करना चाहिए, ना कि उसको बचाते रहो आपकी नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो किंग d4 खेला, ये अच्छा खासा मूव था, बिकॉज यहाँ पे वो e5 को रोक रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर किंग e5 f4 आ गया आई थिंक ब्लैक विन के लिए खेल सकता है। तो यहाँ पे नाइट e5 खेला, रुक टू c1, ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि इस रुक को कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिले, बिकॉज आप जब भी रुक एंडिंग खेलते हो, भले ही वो दोनों के पास रुक हो या फिर कोई ऐसा दूसरा नॉर्मल एंडिंग भी आप खेलते हो जहाँ पे रुक अवेलेबल है, तो आपको रुक को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे रुक c1 के बाद हुआ ये कि नाइट f3 चेक दिया, किंग टू e3 एंड देन नाइट इनटू h4 और एक पॉन मार दिया। अब तीन पॉन और एक नाइट है, वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा पोजीशन होना चाहिए, लेकिन रुक की एक्टिविटी के कारण व्हाइट अभी भी टिका हुआ है गेम में। तो रुक c7 खेला उन्होंने, किंग टू e5, ये एक मुश्किल वाली चाल थी, बिकॉज जो मैंने एनालिसिस देखा था यहाँ पर एक्चुअली ब्लैक को जाना चाहिए था g5, जहाँ पे वो सिंपली इन तीन पॉन के भरोसे खेल सकते थे और इन दोनों को बिल्कुल वो छोड़ देते, नजरअंदाज कर देना चाहिए फिलहाल, क्योंकि इन तीन पॉन में से अगर एक भी आगे पहुंच गई तो ये गेम को पलट सकता है, और डेफिनेटली ये ओनली चांस था उनके पास, क्योंकि अगर आप रुक इन टू b7 मारते हो इसमें, तो एक तो आप किंग e5 भी आ सकते हो, लेकिन चेक आ रही है e7 के हमेशा, तो अभी आप g4 जा सकते हो, जिसमें सिंपली g3 g2 का मैं थ्रेट बना सकता हूँ, राइट। और इवन कुछ कंडीशंस में किंग g5, क्योंकि रुक g7 चेक में नाइट g6 आ सकते हैं, राइट। एक बार अगर आपका f4 पुश हो जाता है तो बहुत बढ़िया पोजीशन आ सकती है, लेकिन हालांकि गेम में उन्होंने खेला नहीं ये, और यहाँ पे किंग e5 खेल दिया था। इस इंटरमीडिएट मूव ने, रुक e7 चेक ने बहुत कुछ बदल दिया, बिकॉज इस वक्त जो है ब्लैक के पास इस पोन को पुश करने का इतना आसान तरीका नहीं है। उन्होंने किंग d5 खेला एंड देन रुक इनटू b7। अब प्रॉब्लम ये है कि आप पोन पुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिंपली मर रहा है, राइट। तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला g5 f4 पुश करने के लिए, फिर से चेक दिया रुक b5। इस बार सेवेंथ रो से चेक नहीं दिया, फिफ्थ रो से दिया, क्योंकि अब किंग को ये रो छोड़नी पड़ेगी, राइट। तो किंग e6 खेला यहाँ पे, रुक टू a5, और अभी आप देखिए फिर से आप f4 नहीं खेल सकते क्योंकि e4 मर रहा है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से रोक रहे थे पॉन्स को। नाइट चेक दिया g2 पे, किंग टू f2, नाइट f4। व्हाइट सिर्फ एक डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है ब्लैक के लिए कि इन पॉन में से इजीली वो पुश नहीं हो आगे, राइट। क्योंकि तीन पॉन और एक नाइट बहुत कुछ बना सकते हैं एक्चुअली देखा जाए तो, राइट। लेकिन नाइट f4 के बाद रुक इनटू a7 भी मार दिया उन्होंने, नाइट d3 चेक, किंग टू e3, एक पॉन मार दिया नाइट इनटू b2 से। अब एक अच्छी बात है कि अगर ब्लैक ने a पॉन मार दिया और ये तीनों पॉन भी दे दिया तो भी वो नाइट वर्सेस रुक ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, जो कि मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, क्योंकि इस पोजीशन को फर्स्ट व्यू में देख के कोई भी बोलेगा कि ब्लैक जीतने के लिए कभी ना कभी खेल सकता है, राइट। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, और ब्लैक ने कुछ मिस्टेक्स भी किया एक्चुअली, अदरवाइज ब्लैक के पास चांसेस थे, मतलब मुझे लग रहा था हार तो नहीं रहा ब्लैक इसमें कम से कम। तो किंग d4 खेला, g4, a4 खेला, अभी इस बार अगर आप मार दोगे तो रुक वर्सेस 3 पॉन में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि किंग आपका बहुत दूर है। अगर किंग f3 पे होता तो कम से कम इस पॉन को पुश करके कुछ ना कुछ चांसेस बनाते, राइट। तो g3 खेला यहाँ पे, a5 एंड देन फाइनली किंग टू d6। ये एक बहुत ही भयंकर मिस्टेक थी, क्योंकि उनका लास्ट चांस जो था वो ये था कि अपने किंग को वो शिफ्ट करके इस साइड, नॉट g6, इधर आके और कुछ कर सकते थे, राइट। इसीलिए कम से कम किंग f6 तो खेला था यहाँ पे, जिसमें आप किंग को शिफ्ट कर सकते हो इस साइड में, राइट, ना कि आप इस पॉन को रोकने जाओ। ब्लैक ने, मुझे लगता है, एक हमेशा एक टेक्निकल प्रॉब्लम अपने लिए ये क्रिएट किया था कि उन्होंने अपने पॉन्स को पुश करने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया इन पॉन्स को रोकने में, जो कि इतना जरूरी नहीं था। ब्लैक एक्चुअली इन पॉन्स पे फोकस करके आराम से कंटिन्यू कर सकता था, जिसमें शायद वो हारता नहीं, राइट। तो ये एक भयंकर भूल थी, और मुझे लगता है आफ्टर a5 इनटू d6 ये इस पोजीशन में व्हाइट के पास अच्छे खासे चांसेस हैं अभी। सो उन्होंने यहाँ पे सिंपली a6 खेल दिया, किंग टू c6, रुक g7, अब g3 मर रहा है। अगर आप इसको पुश भी करो, किंग खेलोगे b6 पे तो a7 आ रहा है, और अनफॉर्चुनेटली आप 8 को नहीं रोक पाओगे, तो
इसको रोकने के लिए मुझे लगता है शायद वो टाइम प्रेशर में थे लोहित मनवेली या और कुछ उन्होंने मिस कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज ये जो वेरिएशन था जो जिसमें एक्चुअली लास्ट में व्हाइट जीत गया वो डेफिनेटली उसमें कुछ भी प्लान बच नहीं रहा था ब्लैक के लिए। तो यहाँ पे नाइट ए फोर खेला और उन्होंने सोचा जब ए सेवन आएगा तो नाइट बी सिक्स आ जाएंगे। आई थिंक उन्होंने एक मूव मिस कर दिया था जिसके कारण उनको रिजाइन करना पड़ा कि आफ्टर ए सेवन नाइट बी सिक्स खेला। और यहाँ पे आप सिंपली आप देखो कि क्योंकि ये ओनली डिफेंडर है तो इसको रुक जी सिक्स चेक दिया और इधर ही उनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि अगर आप किंग बी सिक्स बी सेवन खेलते भी हो तो वो सिंपली रुक इनटू बी सिक्स मार देंगे। अगर आप मारते हो तो पॉन क्वीन बन रहा है, और अगर आप रुक बी सिक्स को किंग इनटू ए सेवन मारते हो तो भी वो रुक बचा लेंगे और बाद में वो पोजिशन आराम से जीत रहा है वाइट। तो बीच में कुछ अनक्लियर था, एक वक्त मुझे लगता है ब्लैक शायद स्लाइटली बेटर भी था, लेकिन कुछ दो बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर दिया लोइक विनवैली ने। और विंसेंट केमर जो कि एक यंग खिलाड़ी थे अपनी टीम के, जर्मनी से आते हैं और ऑनलाइन में मैंने देखा है कि बहुत बढ़िया खेलते हैं कभी कभी, तो एक अच्छा गेम रहा और उनकी टीम इसके कारण जीत भी गई उस टूर्नामेंट को, यूरोपियन टीम चैंपियनशिप को, राइट, ऑनलाइन जो हो रहा था। और भी बहुत सारे गेम हम देखने वाले हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, राइट। ये मुझे लगता है मेरा टाइटल जो कैंडिडेट मास्टर आने के बाद पहला गेम मैंने डाला था। हाल ही में मैंने एक टाइटल ट्यूजडे जो टूर्नामेंट होती है हर वीक chess.com पे वो भी खेली थी, उसके गेम्स मैं बहुत जल्दी आपको दिखाने वाला हूँ कि उसमें कुछ बहुत ही अच्छे गेम्स हुए थे, राइट। थैंक यू chess.com कि उन्होंने मुझे डायमंड मेंबरशिप भी दे दिया लाइफ टाइम जो फ्री था। तो बहुत जल्दी मिलेंगे, थैंक यू, बाय, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।